हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बनाएंगे एक नई सी दाल। ये देखिए, मैंने 2 कटोरा चना ले लिया है, 1 कटोरा सोयाबीन, और साफ़ करके मैंने बीन लिया है अच्छी तरह से। अब हमें साफ़ करके धो लेंगे। धोने के बाद हम इसका एक अच्छा सा सूप निकालेंगे। हमारी भाषा में इसे रस भी कहते हैं। जनरली कुल्थी की दाल का या चने की दाल का रस बनाया जाता है। कुल्थी की दाल बहुत गर्म होती है। ये देखिए, मैंने चने को साफ़ करके धो लिया है, कुकर में डाल लिया है और 6 बड़े गिलास पानी डाला है। साथ में मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें तेल डालूंगी बॉयल आने के, क्योंकि ये बाहर आ जाता है उबाल आने पर, ज़्यादा पानी होने पर। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। सब्जी का तेल मेरे पास बचा था, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल इसमें डाल रही हूँ। इससे ये बाहर नहीं आएगा बॉयल करते समय। हम इसे थोड़ी देर फुल में रहने देंगे, 1-2 सीटी लगाएंगे, फिर हम इसे सिम कर देंगे और लगभग हम इसे 35 मिनट बॉयल करेंगे। ये देखिए, 35 मिनट हो चुके हैं। बॉईल करने के बाद देखिए, इसका एक ऐसा सूप निकला है ये चने और सोयाबीन का। ये बहुत रिच होता है, इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये बहुत हेल्दी दाल मानी जाती है। मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये रेसिपी ट्राई की जाए, शेयर की जाए, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा ये मेहनत का काम है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है इस दाल को बनाने में। इस रस को हम ऐसे ही 2 मिनट करीब बॉयल कर लेंगे और उसके बाद हम इसको छान लेंगे, क्योंकि इसका एक अच्छा सा अर्क हमें चाहिए। ये दाने जो हैं ये हम हटा देंगे इसमें से, ये हमें नहीं चाहिए इसको। अगर आपको चाहिए तो ये दाने आप छान के ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला, प्याज आज कच्चा टमाटर ऐसा तड़का देके, हल्का सा हींग जीरे का, इसको आप ब्रेकफास्ट में ले भी सकते हैं। वरना इसको आप किसी गाय को या चिड़िया को डाल भी सकते हैं। ये लगभग बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से, तो इसको हम चलिए छान लेते हैं। इसे हम आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट उसी में सबसे अच्छा आता है। ये मैंने कढ़ाई ली है साफ़, और इसमें मैंने छन्नी ली है। देखिए, इस छन्नी की मदद से मैं इसको सारा छान लूँगी। हमें क्योंकि इसका सूप ही चाहिए, मैं इसका रस बना रही हूँ चने का सोयाबीन का, इसलिए इसे सूप भी कह सकते हैं आप, रस भी कह सकते हैं। हम चावल के साथ इसको खाएंगे। ये मैंने सारा छान लिया है लगभग। अब हम दाने अलग कर देंगे। और इस रस में कोई ख़ास ऐसे मसाले स्पेशल पड़ते नहीं हैं। ये देखिए, सारा रस मैंने निकाल लिया है। अब हम दानों को हटा देंगे। इस रस को हम ऐसे 2 मिनट थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा हल्के से मसाले डालेंगे, साबुत खड़े मसाले। इसमें कुछ विशेष मसाले नहीं डालते। ये देखिए, मैं इसमें डालूँगी 6-7-8-10 लौंग समथिंग। ये मैंने इसमें 8-10 लौंग ली हैं, ये डाल देंगे हम इसमें। और ऐसे ही 8-10 में इसमें काली मिर्चें डाल दूँगी साबुत। ये मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी हैं। अब हम इसमें 2 मिनट इसको पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे घोल कर। ये मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी मिर्च ली है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है बस। इसमें हम और बाकी कुछ मसाला नहीं डालेंगे। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा अच्छी तरह से, फिर हम इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक डालेंगे कच्चा। ये देखिए, मैंने एक कटोरी ली है, इसमें मैं 2 चम्मच बेसन ले लूँगी। ये मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिया है चाय के चम्मच से। इसे हम घोल लेंगे अच्छी तरह से। एक अच्छा सा पतला बैटर हम इसमें बना लेंगे, क्योंकि बिना बेसन के ये दाल ठीक नहीं होगी। जब हम इसमें बेसन डालेंगे तो ये दाल गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी एक अच्छा सा आएगा बहुत। इसको हम घोल लेंगे, थोड़ा पानी मिलाएंगे इसमें। और अब मैं इसको इस सूप में डाल दूंगी। इसके साथ इसको हम पकने देंगे करीब 15-20 मिनट। ये दाल को फुर्सत में बनाया जाता है, जैसे छुट्टी हो, संडे, सैटरडे, किसी दिन छुट्टी के दिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बॉयल होने में। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसका हमको पूरा सूप चाहिए होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है इस दाल में। जब इसका पूरा सूप निकलता है तभी इस दाल का बेनिफिट है। ये देखिए, इसका अच्छा सा सूप निकला था, मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। अब मैं इस बेसन के साथ इसको करीब 15 मिनट ऐसे ही पका लूँगी। थोड़ा सा जब गाढ़ी हो जाएगी, इसमें मैं थोड़ा सा बीच में अदरक डालूँगी। ये देखिए, इसमें उबाला आ गया है अच्छी तरह से, लेकिन अभी ये बहुत पतली है दाल। इसको हम सुखा लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा जितनी मात्रा में है इसे थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए और गाढ़ी हो जाए ठीक। ये हम चावल के साथ ले रहे हैं, इसलिए हमें इतनी पतली दाल नहीं चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। इसका कलर देखिए चेंज होने लगा है, पहले ब्राउन था, अब हल्का सा ग्रे सा होने लगा इसका कलर। ये जितनी ज़्यादा पकेगी लोहे की कढ़ाई में, उतना ही अपना कलर छोड़ेगी। चने में वैसे ही बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ऊपर से हम आयरन की कढ़ाई में इसको पका रहे हैं, इसमें डबल डबल आयरन हमें मिलेगा। ये मैंने अदरक कूट लिया था थोड़ा सा, 1 छोटी सी गांठ, इस भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसका भी अर्क हम करीब 5 मिनट इसमें निकालने देंगे। या अदरक जो मैंने इसमें लौंग काली मिर्च डाली थी, वो सब एक साथ इसमें पक लाएंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे बाहर, हम इसमें रहने नहीं देंगे इसे, इसको हम बाहर कर लेंगे बनने के बाद। ये देखिए, अभी 5 मिनट में इसको ऐसे ही पकाऊंगी। 5 मिनट बाद हम ये जो मसाले मैंने खड़े डाले हैं सारे हम छन्नी की मदद से बाहर कर लेंगे।
अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे अदरक को। दाल थोड़ा सा और गाढ़ी हो गई है, देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है, क्योंकि आधा चम्मच मैंने बॉईल करते समय डाला था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें एक लौंग, काली मिर्ची, अदरक और हल्की सी मिर्च का एक परफेक्ट टेस्ट आता है, और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इस दाल में बनने के बाद। और ये बहुत सिंपल और रिच दाल है, पर बस बनने में बहुत टाइम लेती है। ये लगभग सूख गई है दाल थोड़ा सा और गाढ़ी हो गई है, देखिए ये थोड़ा सा थिक होने लगी है। इस तरह का ही हमें एक अच्छा सा सूप चाहिए इसका। थोड़ा सा इसका कलर अभी और चेंज होगा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा पकने दूंगी। ये जो मैंने इसमें मसाला आपसे बोला था डाला है, ये लौंग, काली मिर्ची और अदरक, 5 मिनट पहले कि मैं इसे हटा दूंगी। अब मैं इस मसाले को सारा हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये खाते समय हमारे मुँह में चुभेगा, इसलिए हम ये सारा जो खड़ा मसाला है बाहर निकाल लेंगे। दाल हमारी लगभग तैयार हो गई है, ये सूख के देखिए इसकी क्वांटिटी कम हो गई है बिल्कुल। अब ये एक परफेक्ट दाल बन गई है, अब हम इसे तड़का देंगे। इसके बाद इसमें ये दाल लगभग रेडी हो गई है खाने के लिए। सारे मैंने इसमें अदरक का चूरा है, लौंग और काली मिर्ची जो मैंने इसमें डाली थी वो सब मैंने बाहर कर ली है। मैंने ये देखिए पैन रखा है, पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, दाल को देसी घी से तड़का दिया जाता है। मैंने इसमें 1 चम्मच हींग डाली है छोटी चम्मच से, मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। इसमें हींग और जीरे का तड़का या लहसुन का तड़का बहुत टेस्टी होता है। मेरे पास लहसुन और नहीं था इसलिए मैंने इसमें हींग और जीरे का तड़का दिया है। मैंने थोड़ा सा प्याज काट लिया था, इसके साथ भून लेंगे, क्योंकि इसमें प्याज का होना बहुत ज़रूरी है। प्याज इसमें एक अपना अच्छा सा फ्लेवर देता है। इस प्याज को हम क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन लगभग भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, कच्चा कल भून रहने देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें घी नहीं छोड़ देंगे। छोड़ देगा इसमें छोड़ दिया है और ये भून चुका है प्याज, थोड़ा सा इसको ब्राउन भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको तड़का देंगे। प्याज के तड़के से इस दाल का इस्तेमाल करते हैं, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। दाल है तो बहुत सिंपल, बनाने में थोड़ा सा मदद करता है, खाने में भी मुझे लाजवाब टेस्टी होती है। इसकी कवर करना चाहिए गोभी की तरह, अमली बनानी अच्छी से इसमें पौष्टिकता भी आप लोग टेस्ट किया था। ये देखिए भून गया है, मैंने इसमें डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं भुना, देखिए हल्का सा ग्राइंड किया है ताकि प्याज इसमें रहे और इसे प्याज इसमें डालना दिखाई देगा। कैसी आपको ये दाल लगी, कलर कैसा आया है, देखिए ये देखिए कितनी ब्लैक दाल हो गई है, डार्क ग्रे दाल हो गई है। ये शुरू में ब्राउन थी, पकने के बाद लोहे की कढ़ाई में इसका ऐसा टेस्ट आया है, ये टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होती है। आप अपने घर में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये दाल, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अपने इसको शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक मुझसे हुई है तो मैं उसको सुधारूंगी, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। इस रेसिपी को पर अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाकई में दाल गुणों से भरपूर है, लाजवाब है और गर्मियों में आराम से खाई जा सकती है। थैंक यू गाइस, बाय।